Hijab now you can do. Okay, good. Good. अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे कि पोस्टीरियर कैपिटल स्पेसिफिकेशन के लिए अब हम लेंस तो निकाल के उसको दोबारा साफ करने से तो रहे, तो हम एनडी एग लेजर जो है ना वो स्लिट लैंप के ऊपर माउंटेड होता है, उसके जरिए फोकस करते हैं बिहाइंड द लेंस थ्रू द कॉर्निया एंटीरियर चैम्बर एंड द लेंस वी फोकस इट ऑन द पोस्टीरियर कैप्सूल, तो वो बाकी टिश्यूज को डैमेज नहीं करता, सिर्फ पोस्टीरियर कैप्सूल को रप्चर करता है। ये देखें, ये है पोस्टीरियर कैप्सूल, ये है पोस्टीरियर कैप्सूल, और ये जो ऊपर वाली आपको लेफ्ट साइड पे अपर मोस्ट नजर आ रही है ना अरसलान विकास जी सर, ये आपको अपर मोस्ट लेफ्ट साइड पे नजर आ रही है पिक्चर जिसमें एक सुराख हुआ हुआ है। जी सर आ रही है। अच्छा, हिजाब आपको नजर आ रहा है? जी सर। तो ये एक शॉट मारा है हमने एंटी एग लेजर का पोस्टीरियर कैप्सूल के अंदर, साथ वाली पिक्चर जो है हिजाब इसमें आप देखे हमने चार और मारे हैं और ये फाइव हो गए, ठीक है जी, जी। और उसके बाद लेफ्ट लोअर पिक्चर देखे हमने कुछ और शॉट्स मारे हैं और राइट लोअर मोस्ट पिक्चर देखे, तो हिजाब आप देख सकती हैं और बाकी सब लोग भी देख सकते हैं। मैं कुछ कमाई का भी ऑन करता हूँ कि एक ओपनिंग बन गई है जी। अरसलान साहब, विकास साहब, आप देख सकते हैं ओपनिंग नजर आ रही है? जी जी सर, मैं देख सकता हूँ। ठीक है, तो ये जो ओपनिंग है ना ये पुस्तक कैप्सूल में बना दिया आपने, बाकी साइड पे जो पैसिफाइड है वो तो प्यूपिल कवर कर लेगा, ये डायलेटेड प्यूपिल है और इसके थ्रू पेशेंट जो है वो देख लेगा, तो लेट पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन जो थी पोस्टीरियर कैप्सूल पैसिफिकेशन उसका ये ट्रीटमेंट है। कोई आपसे पूछे तो क्या ट्रीटमेंट है? यैग लेजर कैप्सुलोटॉमी। सही, पोस्टीरियर कैप्सूल रप्चर कर दिए, रप्चर कर दिए, तो फिर वो कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे, विट्रियस लॉस और सारा? वो थोड़ा बहुत होगा लेकिन वो बिल्कुल इतना सी जगह पर किया है और ये आफ्टर वन ईयर या सिक्स मंथ होता है, थ्री मंथ से पहले नहीं करते, लेकिन देखिए बाकी उसका जो पार्ट है इर्द गिर्द उसको हमने नहीं छेड़ा, हमने पूरा पोस्टीरियर कैप्सूल रप्चर नहीं किया, सिर्फ उसका सेंट्रल पार्ट किया है, इसलिए उसमें से विट्रस कम आता है और एक साल तक वो पीछे भी चला जाता है। ठीक है, ठीक है, यस जी सर। और ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट ऑपरेटिव लेट पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन एंड वेरी फ्रीक्वेंटली इट इज आस्क्ड। अच्छा जी, चलो हिजाब पढ़ो। मैल पोजिशन ऑफ आईओएल, टिल्टिंग, डिसेंट्रेशन, ट्रीटमेंट, कॉर्नियल डीकंपेंसेशन। अच्छा, ये देखें, ये आपको नजर आ रहा है आईओएल जोन सा वो डिसेंटर्ड हुआ हुआ है जी, तो इसका ट्रीटमेंट यही है कि सिंपली इसको वी विल गेट बैक द पेशेंट टू ऑपरेशन थिएटर एंड वी विल रीपोजिशन द इंट्राओक्युलर लेंस। अच्छा, आगे पढ़े, ये लेट लेट पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस है और क्या होती है? कॉर्नियल डीकंपेंसेशन। ठीक है, इसमें कॉजेस जो सी हैं, ओल्ड एज है, एंडोथेलियल सेल काउंट है जिसकी वजह से एंडोथेलियम आपको पता है irreparable है, epithelium damage हो जाए तो वो repair हो जाती है, endothelium once damaged cannot be repaired, तो फिर वो cornea में ecbasumer आ जाता है और cornea हमेशा के लिए opacified हो जाता है, got it? Okay. It can happen because of the decreased number of endothelial cells or traumatically it can happen because of the instruments which the surgeons use, if it touches the endothelium it is damaged suddenly, so we have to avoid the touching of these instruments during surgery. Hijab padhe. Retinal detachment, risk factors, disruption of posterior capsule, vitreous loss and lattice degeneration. ठीक है,
अब ये रेटिनल डिटैचमेंट है ना, ये बड़ी रेयर कॉम्प्लिकेशन है और ये होती है आफ्टर मे बी मैनी ईयर्स, और वो भी अगर फर्स्ट करे कि आपका पोस्टीरियर कैप्सूल रप्चर हो गया हो, उसमें विट्रस लॉस हो गया हो, तो वो रेट्रा प्रोटेक्शन डालता है तो उसको डिटैच कर सकता है. लैटिस डिजनरेशन का मतलब है थिन रेट्रा. तो जो मायोप पेशेंट होते हैं ना, यानी कि जिनका नंबर -5, 6, 7, 8 होता है, उनमें थिन रेट्रा होता है. तो वहां पर जाए अगर विट्रस की ट्रैक्शन होगी, यानी कि विट्रस खींचेगा, तो वहां पर रेट्रल अटैचमेंट हो सकती है. तो ये लेट पोस्टऑपरेटिव रेयर कॉम्प्लिकेशन है कैटरेक्ट सर्जरी. समझ आ रही है? यस सर. आगे पढ़े. सनसेट सिंड्रोम कॉजेज एंड ट्रीटमेंट. चले इसको छोड़े. ये पढ़े आप. क्रॉनिक एंडोथर्माइटिस कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म प्रोपियोनी बैक्टीरियम एक्नीस स्टाफ एपिडर्मिस. Clinical features, treatment strategy, steroids and antibiotics, removal of IOL. Clinical features इसमें ये होते हैं कि अच्छा ये chronic endophthalmitis है ना, जो late, एक तो आपने early पढ़ा था ना first postoperative जो acute endophthalmitis हमने पढ़ा था, आपने उसको याद रखना मेन जेन में. ये बहुत रेयर है. इट कैन अकर आफ्टर अ ईयर और इट यूजुअली हैपेंस व्हेन सम ऑर्गेनिज्म रिमेंस एंटैंगल्ड इन द आई स्पेशली इन द पोस्टीरियर कैप्सूल. सो इट कॉजेस प्रेजेंट्स विद अ ग्रेजुअल लॉस ऑफ विजन प्रोलेंस एंड द होल कैप्सूल वी हैव टू रिमूव. And actually, we make the eye aphakic. And later on, if the VR prognosis is seems better, then we can insert the anterior chamber intraocular lens. Okay? Okay. Sir, वो कुछ students waiting room में. अच्छा, इसमें याद रखने वाली बात. बात यह है कि आपने क्रोनिक एंडोथेलमाइटिस के अंदर पूरे के पूरे कैप्सूल को निकालना होता है, पोस्टीरियर कैप्सूल को भी निकाल देते हैं. हम पोस्टीरियर चैम्बर इंट्राओक्युलर लेंस नहीं रख सकते एनीमोर, तो हम एंटीरियर प्रोग्नोसिस टॉक विद यू. किसी के ज़हन में अभी तक, अभी हमने आज पढ़ा कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कैटरेक्ट सर्जरी, ऑपरेटिव, अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव और लेट पोस्ट ऑपरेटिव. किसी के ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो वो हाथ खड़ा करे. फरवा बोल सकती हैं? मानू सर नहीं है कोई भी. समझ आ गए सारे का सारा? यस सर आ गए. वेरी गुड. तला साहब. जी सर. क्वेश्चन हो तो पूछे. नहीं सर क्वेश्चन नहीं है. अच्छा सुकून हैव गॉट सम क्वेश्चन. जी सुकून बताए. सर ये जो सनसेट सिंड्रोम था ये क्या था? ये हाथ नीचे कर ले. कर लेते हैं सर. वो सनसेट सिंड्रोम में ये होता है, इसपे डायग्राम तो नहीं बनी हुई थी, उसपे
बेसिकली ये भी आईएल डिसलोकेशन जिस तरह आपने पढ़ा था ना डिसलोकेशन, उसमें आईएल जोन से है वो नीचे की तरफ डिस्प्लेस हो जाता है यानी कि ग्रेविटी की वजह से, और जब आप उसको डिस्टेंट डायरेक्ट थर्मोस्कोप से देखते हैं ना तो आपको फंडल रिफ्लेक्स इस तरह का नजर आ रहा होता है कि जैसे सूरज ग्रूब हो रहा हो। ठीक है सर। ठीक है, इसका भी ट्रीटमेंट यही है कि इसकी रिपोजिशनिंग करनी है। ये सारी चीजें आपने शफी जितोई से पढ़नी है। अगले लेक्चर में मैं आप लोगों से क्वेश्चन आंसर पूछूंगा और असाइनमेंट जो अगली होगी वो आपके एमसीक्यूज की फॉर्म में भी होगी। ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा अभी मैं थोड़ा सा क्लोजिंग के करीब हूँ, मैं नहीं चाहता कि मीटिंग का एकदम टाइम आ जाए और हम जल्दी में आ जाए। अभी किसी के जहन में कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो, कोई चीज, एनीवन वांट्स टू से तो वो प्लीज बताइए रिगार्डिंग दिस लेक्चर और एनीथिंग एल्स। सर ये शफी जुतोई में लिखे हुए हैं एनेस्थेटिक कॉम्प्लिकेशन, ये भी करनी है? हाँ ये भी करें, बिल्कुल करें। आपका पेपर शफी जुतोई से बनेगा। ठीक है, ये मैंने जो आपको लेक्चर भेजा है ना जिसमें कुछ स्लाइड्स हैं जैसे आईएल की मेकिंग ये वो सब छोड़ दें, जो मैंने आपको वो आपने पढ़ना है, वो अगर मैंने नहीं भी पढ़ाया तो उससे मती आपकी नहीं होगी। ठीक है सही है सर। अच्छा और किसी के जहन में किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछे रिगार्डिंग दिस लेक्चर और ऑनलाइन टीचिंग जो हमारी जा रही है। कल आपका ईएनटी का लेक्चर ठीक रहा? सर अच्छा रहा, बहुत अच्छा था। ठीक है सलीम साहब। अच्छा जी सलीम साहब, मैं आपका माइक ऑन करता हूँ। सलीम, चलो सलीम आप बताओ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये जो आप पढ़ा रहे हैं इसका टेस्ट वगैरह भी होगा? इंशाल्लाह ताला जरूर होगा, क्यों नहीं होगा। हाँ फिजान आप बताएं। सर वो सालिम कह रहा था सर कि मेरा माइक खराब है तो मैं इस तरह से बोल नहीं सक रहा, सॉरी कह रहा था, तो इसने मुझे मैसेज किया बता। अच्छा ठीक है जी सर। और कोई क्वेश्चन मानूर आपकी तरफ से, हिजाब आपकी तरफ से, नहीं सर कोई क्वेश्चन नहीं। ठीक है समझ आ गया आज बस सर यही पूछना था। जी सर मानूर समझ आया आज का लेक्चर? और भी लेंगे, एक आपका टॉपिक रिफ्रैक्टिव एरर्स में से पैथोलॉजिकल मायोपिया रह गया था वो भी कवर करेंगे, तो अगली मैं असाइनमेंट में फिर आपको बताऊंगा। फीडबैक आपने देना हो तो दे दें, अभी आई एम गोइंग टू क्लोज द मीटिंग। ओके if someone has got any questions let me know, otherwise I'm going to end the meeting. See you in the next lecture. Khuda Hafiz.